हेलो फ्रेंड्स, आज जिस पाठ को हम लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है इन्वेंटर हु किप्ट हिज प्रॉमिस। यह कक्षा 10 के सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है। इस पाठ में महान वैज्ञानिक जो कि अमेरिका के थे थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन से संबंधित कुछ कहानियों पर कहानियों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए पाठ के बारे में। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप एक बटन दबाते हो एंड इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और विद्युत प्रकाश आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइट की खोज किसने किया। ही वाज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन, वह अमेरिका का निवासी थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को पूछना पसंद करते थे। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गट द राइट आंसर्स, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनको सही जवाब नहीं मिल जाता था। देर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से संबंधित अनेक कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहां पर कुछ कहानियां हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब युवा एडिसन स्कूल में थे, हिज टीचर वाज टेलिंग द स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, उनकी जो अध्यापिका थी वह बच्चों को चिड़ियों वाली कहानी बता रही थी। ही गट अप, वह खड़े हुए एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम या महोदया आदमी पंछी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। तो टीचर जवाब देती हैं, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, विंग्स मैंने पंख होता है, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, युवा लड़का कुछ क्षण सोचा एंड आस्क्ड हर अगेन, पुनः पूछता है, मैं बट द काइट है, काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उनको उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉय लाफ्ड, अन्य लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका जो थी अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उसने सोचा यह बच्चा शरारती और दुष्ट है। एंड सी आस्क हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, और वह उनके अभिभावक से बोले कि बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके पेरेंट्स उनको घर लाए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट द बॉय वाज नॉट स्टूपिड, दैट ही वाज नॉट स्टूपिड बॉय, कि वह एक स्टूपिड या दुष्ट लड़का नहीं है, सर बेवकूफ लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, एडिसन उस समय 8 वर्ष के थे व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी। द यंग एडिसन फाउंड हिज मदर बेस्ट टीचर, एडिसन अपनी माँ को एक अच्छे अध्यापक के रूप में पाया। सी वाज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, और उनकी माँ के पास एडिसन के प्रश्नों के जवाब देने के लिए पर्याप्त धैर्य था। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनके सहायता और मार्गदर्शन से ही मेड ए गुड प्रोग्रेस, वह अच्छा विकास किया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बड़े ध्यान से देखते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारा प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खता से भरे हैं। बट ही लर्न्ड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह इनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वाज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन वह सुबह के समय पक्षियों को देख रहा, पंछी देख रहे थे। इट फ्लू डाउन, वह नीचे उड़ी, टू द ग्राउंड, जमीन पर, वह जमीन पर उड़कर आए। एंड आई मेक एंड पिक्ड अप ए फ्यू वार्म्स इन
द बिग बिग माने चोंच होता, अपने चोंच में कुछ कीड़ों को लिया एंड फ्लू अवे और दूर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन ए न्यू एन आइडिया, इससे एडिशन के मन में एक विचार आया। द बर्ड इज फ्लाई, बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वार्म, चिड़िया उड़ सकती हैं क्योंकि वह कीड़ों को खाती हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वार्म, आदमी भी उड़ सकता है यदि वह वार्म को खाए, कीड़ों को खाए ही। सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी पर करना चाहते थे। ही काट होल्ड आप ए फ्यू वार्म, उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा, बीट देम इन टू ए पल्प, बीट मतलब पीट करके उसको लुगदी बनाया एंड मिक्सड इट इन ए वाटर, पानी में मिलाया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, वह इस घोल को एक नौकर की लड़की के पास ले गए एंड सेड टू हर, उनसे बोले दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह आश्चर्यजनक मिक्सचर है, घोल है। इट इफ यू ड्रिंक इट, यदि तुम पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कमान आओ, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की एडिशन पर विश्वास कर लिया एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पिया। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ी। सी फेल इल, वह बीमार हो गई। यंग एडिशन्स मदर वार्नड हिम, एडिशन की मां ने उनको चेतावनी दिया नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खता भरे प्रयोग करने की, अर्थात ऐसे मूर्खता भरे प्रयोग करने न करने के लिए एडिशन की मां ने चेतावनी दिया। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, एक बार पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालने या कुक्कुटशाला, मुर्गी पालन केंद्र गए विथ हिज मदर, अपनी माता के साथ। देर ही सा एहन, जहां पर उन्होंने एक मुर्गी देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग, अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माता से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी एंसर्ड, उनकी माँ ने जवाब दिया। द हेन H80 हेचिंग, माने होता है सेना, यानी जब मुर्गी अंडे पर बैठ करके उसको पर्याप्त हीट गर्मी देती है तो उसी को सेना बोलते हैं, अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद किचन विल कम आउट, आप देख कुछ समय बाद उसमें से चूजे आ जाएंगे, अंडों में से चूजे आ जाएंगे। भाई कैन नॉट आई हैच एक, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकती हूँ। थॉट यंग एडिशन, युवा एडिशन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही गट ए डजन एग्स, उसने एक दर्जन अंडे लिया एंड सेट ऑन देम, उस पर बैठ गया। ही गट आफ्टर सम टाइम, वह उस पर से कुछ समय बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी एग्स चिकन, लेकिन उसको कोई चूजे नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग, उसने केवल अंडे को तोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट, और अपनी पतलून को खराब कर लिया था। ही गट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी मां ने उसको खूब पीटा। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या हुआ, वास्तव में एक शरारती लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, वह अपने सभी प्रयोगों में सफल हो गया। बट ही लर्न्ड सम थिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह इनसे कुछ ने कुछ सीखा। ही हैड लर्न, उसने सीखा दैट हिज आइडियाज वेर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके विचार रॉन्ग थे, गलत थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों को बहुत शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अलॉट ऑफ देम, बहुत सी किताबों को पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, और उसके पिता एक किताब पढ़ने के लिए 25 सेंट देते थे। ही रेड वाइडली, वह किताबों को बड़े विस्तार से पढ़ता। एंड विद द पॉकेट मनी, और ही गेट, वह जो जेब खर्च पाता था। ही ब्रॉड बुक मोर बुक्स, उसने खूब किताबें खरीदा। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसका उत्साहवर्धन किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसके प्रयोगों में उसकी खूब सहायता किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर एंड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट,
उस समय बाद एडिसन ने पाया कि उसके अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए खूब पैसे की आवश्यकता है एंड ही वांटेड मोर एंड मोर बुक्स और वह खूब किताबें चाहता था। आईएस ही हैड रीड ऑल द बुक क्योंकि वह सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही सेट ही हैड एट होम जो उसके घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेस एंड न्यू पीपुल वह बाहर जाकर के नए स्थान और नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे इसलिए वह रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट पहले हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड। पहले उसके माता पिता उसके इस विचारों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह उस समय ठीक 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत हुए व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन लेकिन जब उसने सही अपने निर्णय का सही तर्क दिया तो वे सहमत हो गए। सो एडिसन बीकम ए न्यूज पेपर बॉय इसलिए एडिसन एक समाचार पत्र वाला लड़का हो गया एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट और वह डेट्रॉइट तक यात्रा किया।